वंदना, देखो सूरज की माता जी आई हैं। वंदना, मेरी मुंह बोली बहन है। नमस्ते, नमस्ते। मैं जरा आपकी बहन से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मिलिए ना। पहचान लिया। आज मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए और मैं 4 साल से तुमसे मिलकर माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी। मुझसे माफी मांगने का? हाँ, मरने से पहले वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता गए। तो क्या आप जानती हैं कि हाँ, सूरज तुम्हारा बेटा है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे भाई का खून क्यों हुआ और किसके हाथों हुआ। वंदना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, हो सके तो मुझे माफ कर। जी जी जी, ये आप क्या कर रही है दीदी? जिस रोज से मुझे पता चला है उस रोज से आज तक मैंने सूरज को अपना बेटा नहीं तुम्हारी अमानत समझा है और मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सौंप सकूं। सूरज को असलियत कभी नहीं मालूम होनी चाहिए। आज वो एक होनहार पायलट है, कल रेनू के साथ उसकी शादी होने वाली है। भविष्य के रंगीन सपने हैं उनके सामने। आज अगर उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ आप नहीं मैं हूं जिसने खून के जुर्म में 12 साल तक जेल काटी है, तो कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा उसे। दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकेगा, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं, इतने दुख झेलकर इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी अपने बेटे को अपना नहीं बनाओगी? नहीं दीदी, उसकी माँ कहलाने का अधिकार सिर्फ आपको है। आज वो जो कुछ भी है आप ही की वजह से है। लेकिन वंदना, सूरज तुम्हारा बेटा है। नहीं दीदी, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपको वादा करना पड़ेगा, अब सूरज को कभी कुछ नहीं बताएंगे। अब चुप क्यों है? वादा कीजिए, अब सूरज को कभी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा वंदना, अच्छा, तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा दीदी। दीदी दीदी, हवाईदार साहब आ गए। दीदी लो, ठीक तो है ना? क्या हो गया? नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? घर के अंदर साहब। वो तो मुझे ही पता, लेकिन दीदी कहाँ है? घर के अंदर साहब। ठीक तो है ना? आर यू ऑल राइट? जी सर। मैं आ गया हूँ। मैं समझी आंटी है, तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से। अजी बाहर आ जाओ, इसमें शर्माने की क्या बात है? वैसे तो हमारी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। इट्स ऑल फिक्स्ड। बेशरम। राइट? बदतमीज। एब्सोल्युटली राइट। तुम जाते हो या नहीं? अरे बाबा, तुम जल्दी तैयार हो, फंक्शन के लिए देर हो रही। कुछ पहनने को तो दो मुझे। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। वैसे तो आई एम योर मोस्ट हम्बल ओबीडियंट। तुम ऐसे नहीं मान रहे? हाँ बिल्कुल। ये क्या किया तुमने? सारा मेरा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। अब मैं फंक्शन में क्या पहनूंगा? यू सिली गर्ल। क्या हुआ बेटा? आंटी आंटी आंटी, देखिए आपकी ये पागल लड़की ने क्या किया, मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, पानी डाल दिया मुझ पे। थोड़ी देर के बाद मेरा फंक्शन है, क्या ये यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा? आपके प्यार ने तो इस लड़की को बिल्कुल सर पर। आंटी
आंटी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी स्त्री करके सुखा देती हूँ। रेनू बेटी, रेनू मोटी, अब तो तेरे कपड़े भी आ गए, अब तो तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कहते। हम ऐसा नहीं कहते। आज के जलसे में क्या होने वाला है बेटा? होना क्या आंटी, बस कुछ इनाम इनाम मिलेंगे, कुछ लेक्चरबाजी होगी, बस यही कुछ होगा और क्या। ये लीजिए। बैठो बेटा। सुनिए, अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो एक प्याली गर्म चाय भी हो जाए। हाँ, लाती हूँ। बहन वंदना, आज सूरज की एयरफोर्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है। सूरज के पिता का ये सपना पूरा करने की जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी वो आज मेरी तरफ से खत्म हो गई। मुझे खुशी है कि जीते जी मैं अपना वादा निभा सका। कुछ ही दिनों का मेहमान और हूं, तुम्हारे जेल से रिहा होने तक मैं शायद नहीं रहूंगा, मगर मरते वक्त भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि एक दिन तुम्हें अपना सूरज, तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए, तुम्हारा राम प्रसाद सक्सेना। चंदा है तू मेरा सूरज है मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैं
मैं क्या करूंगी वहां जाकर? आज आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मेरी खुशी का दिन और आप नहीं चलेंगी? तुम्हारी माँ जा रही है, रेनू जा रही है तुम्हारे साथ। आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना बेटा। ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जी जिद नहीं करते, मैं तैयार हूँ, चलो। रेनू ये हमारे साथ चल रही है, इनको तैयार करके लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं नीचे हॉल में इंतजार करता हूँ। मैं दिल्ली सिटीजंस कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के जलसे की कार्यवाही शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस जलसे में हम सब लोग अपने उन नौजवान दिलेर पायलट्स को बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनके लिए सारे देश को, हर हिंदुस्तानी को उन पर नाज है, फख्र है। क्यों तो सरकार की तरफ से उन्हें खिताब मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, मगर मैं समझता हूं कि जनता के प्यार और उसकी सद्भावना से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। मुबारकबादी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज कुमार सक्सेना। सर आपको ताजुब इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था। अमेजिंग, तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूं। बेटा, हाउ इज दैट? अरुण वर्मा तो सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहां मौजूद हूं। यानी जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ मैंने किया है, जो इज्जत मुझे दी जा रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हें भी शरीक होने दिया जाए, इसे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मैं खुद ऐसे हस्ते से मिलना चाहूंगा, बुलाओ ने। थैंक यू सर। माँ, यहाँ हूँ। माँ, सूरज तुम्हें बुला रहा है मुझे? हाँ माँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? नहीं तो खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। आओ ना माँ। भाभी आइए। याद है मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन जरूर आएगा जब आपका बेटा आपको मां कहकर पुकारेगा। आइए। शायद इन्हें पहचाना नहीं। याद है आपकी बर्थडे पर अरुण के साथ? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मैंने इन्हें पहचान लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले ही वो और आज तक इसीलिए अपने बेटे को अपना बेटा ना कह सकी। जिंदगी में अकेली मुसीबतों का सामना करती रही ताकि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बना सके, क्योंकि मेरे पिता को वचन दिया था इन्होंने। वंदना जी,
जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के दायरे से कहीं ऊंची हैं। उनमें से आप भी एक हैं। और मैं समझता हूं आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप। मैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो औरत अपने पति की मौत एयर क्रैश में होने के बाद भी अपने इकलौते बेटों के इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाने की हिम्मत रखती है, मैं समझता हूं उसी मां के हाथों से ये मेडल उसके बेटे को दिया जाना चाहिए। देख रही हैं वंदना जी, आज आपकी बरसों की आराधना सफल हुई है। लीजिए। Thank you.